दोस्तों, आपने कभी ना कभी एटीएम में पैसे निकालने तो जरूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम रूम में एसी क्यों लगा होता है? और क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन को किसने बनाया था? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एटीएम में एसी कस्टमर्स के लिए नहीं लगाई जाती, बल्कि एटीएम मशीन के लिए लगाई जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटीएम मशीन में जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ट्रांजेक्शन प्रोसेस के लिए लगा होता है, वह 24 घंटा चलता रहता है। लगातार काम करने के कारण कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर और अन्य डिवाइसेज ज्यादा गर्म हो जाता है, और ज्यादा गर्म होने के कारण सभी डिवाइसेस खराब हो सकता है। इसीलिए कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एटीएम रूम में एसी लगाए जाते हैं। इस एटीएम मशीन को जॉन सीपर्ट बैरन ने इन्वेंट किया था, और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब इसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था, तब उसने 6 डिजिट का पासवर्ड रखा था, लेकिन उसका वाइफ को 6 डिजिट का पासवर्ड याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे, और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड बदल कर 4 डिजिट का कर दिया, और उसकी वाइफ के वजह से हम लोग आज 4 डिजिट का पासवर्ड यूज करते हैं। क्या ये फैक्ट आप पहले से जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।